सहरसा जिले के आसपास कई गांवों में धान की खड़ी फसल पिल्लुओं के कारण बर्बाद हो रही है और कृषि अधिकारियों समेत पास के कृषि अनुसंधान केंद्र के वैज्ञानिकों को इस समस्या से फौरी राहत दिलाने में तत्काल दिलचस्पी नहीं है। किसानों की 80% पैदावार इन कीटों के भेंट चढ़ गई, जबकि अधिकारी इसे कोई बड़ी क्षति नहीं बताते हैं और कहते हैं कि हमने पहले जो अधिकारी भेजे हैं वह क्षति का आकलन तो नहीं करेंगे, बल्कि वो किसानों को मदद जरूर करेंगे और कीटों से राहत का तरीका बताएंगे। गिरा पिल्लू पिल्लू फरजी पिल्लू जो टोटल सीज के कटे गिरा दी। अगर नहीं हती तो कते हती? हाँ, अगर नहीं यह होता तो कैसा होता? अगर कीड़ा अगर नहीं काटती तो बहुत बढ़िया धान होती है। धान में कोई गड़बड़ी थोड़ी जी, कीड़े वजह से कुछ नहीं, नहीं काटती है तो काटती। लागत ऊपर हुआ? लागत कैसे ऊपर होती है? लागत थोड़ी ऊपर हो गया है। मैं 200 के से जाके देखियो पटरा भेल छे, बहुत बेसी पटरा भेल छे। तो ई रात में कहां रहता है? जड़ में? जड़ में, भोर में, जड़ में, दिन में? दिन में। रात का मैं छिपी पर जाते पड़े छे, आई चल जाए छे छिपी पर काटे ले धान के। आज लोग दिन के स्प्रे करते, दिन के तो कोनो काम करते नहीं, जेल में रह जी मैं भीतर में। उधर किसानों का कहना है कि पूरी मेहनत व्यर्थ हो गई, मुआवजा मिलता नहीं है। अधिकारी और पदाधिकारी दोनों में से कोई भी ध्यान नहीं देते हैं, हम कहां जाएं? देखिए वीडियो और सुनिए कि फोन पर कृषि अधिकारी ने क्या कहा। हेलो हेलो, हाँ सर, इंद्रदेव नेशन न्यूज से बोल रहे हैं सर। अच्छा बोलिए सर। बोल रहे थे जो ये बिहरा और पटोरी के बीच में जो भी धान की फसलें हैं उसमें ऐसा ये कीट लगा हुआ, ये कीड़ा सब जो कि शाम में छिड़काव करता है और फिर वो रात तक गिरा देता है, तो उसके लिए कुछ पहल क्या पहल हो रही है सर? अभी मैं जा रहा है, अधिकारी जा रहा है, जो पौधा संरक्षण पदाधिकारी है ना जी, असिस्टेंट डायरेक्टर, वो अभी जा रहे हैं देखने के लिए। गए तो देखे भी है तो दवाई बता के आए हैं जी, और उससे फायदा नहीं हुआ, फिर अभी दूसरा दवाई बताएंगे, जा रहे हैं अभी। सर उसके मुआवजा के लिए कुछ ऐसा प्रावधान है क्या सर? नहीं मुआवजा का, थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं कटा, ऐसा थोड़ा कि पूरा का पूरा कट गया है, ऐसा नहीं हुआ है जी। बीच बीच में कहीं मतलब कटवर में देखिए कीड़ा है तो कहीं कहीं उसको डैमेज करता है, तो उसको उतना उतारने संभव नहीं ना जी। ठीक है सर, तो उसका हम लोग करवा रहे हैं, भेज रहे हैं आदमी को। ठीक, अधिकारियों के बयान और किसानों की परेशानी दोनों अपने अपने जगह है। किसानी बर्बाद हो रही है और फसलें चौपट पर। कृषि की बात कहने वाले अधिकारी और रिसर्च सेंटर के वैज्ञानिक दोनों इसे छोटी घटना मानते हैं और कहते हैं कि कुछ जगहों से शिकायत मिल रही है, कीटनाशक बदल देंगे, यदि राहत नहीं मिली तो अगला अधिकारी जाकर उन जगहों को फिर से देखेगा। ताज्जुब की बात यह है कि किसानों को मुआवजा नहीं मिल रहा है, अधिकारी ट्रायल एंड एरर के आधार पर कीटनाशक का उपयोग करने की बात कहते हैं। भगवान भरोसे खेती की बात कहने वाले किसान शायद सही कहते हैं, क्योंकि उसे देखने वाला कोई नहीं है।